के तहत अब तक कितने काम ले चुके हैं और कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड सर, एसआरडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, उसमें फंड्स कहाँ से आ रहा है और कितना अब तक खर्चा कर चुके हैं फंड्स का। सर थर्ड पॉइंट ये है, जो प्रोजेक्ट के लिए एसआरडीपी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उसके लिए लोन लिया जा रहा है? अगर लोन लिया जा रहा है तो ये लोन रीपेमेंट क्या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जाएगा? सर आखिरी में सर ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं एसआरडीपी प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार जोन कुकटपल्ली शेरलिंगमपल्ली सिकंदराबाद एलबी नगर और खैरताबाद जोन्स में कितने कितने काम कहाँ कहाँ हुए हैं, और चार मीनार जोन के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सर, एक तो एसआरडीपी के तहत फलकनुमा ब्रिज की तामीर हो रही है, एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहादुरपुरे के चौरस्ते के ऊपर बहादुरपुरा फ्लाईओवर बन रहा है। आपके जरिए ठहरकर मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अफसोस से कहता हूं साहब, एक तकलीफ हो रही है साहब, आपकी गवर्नमेंट का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे एरिया का नाम और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को आज 4 साल पहले आप फाउंडेशन स्टोन डाले थे। जब देखता हूं सर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हर जगह काम हो रहा है सर, आप बड़े बड़े फ्लाईओवर बना डाल रहे हैं, बड़े बड़े समझो आप रोड्स पड़ जा रहे हैं सर, एक फ्लाईओवर क्यों रुक रहा है सर ये काम? ये काम कराइए साहब, नाम की बदनामी आपकी गवर्नमेंट की हो रही है। एक 4 साल से एसआरडीपी के तहत एक ब्रिज नहीं बन रहा है और एक एक सर फलकनुमा फ्लाईओवर बन रहा है। फलकनुमा फ्लाईओवर का एक तरफ का पैसेज जो उतरने का है वो बन चुका है, राइट साइड का जो चढ़ने का है वो अब तक नहीं बना है। ये कहे जा रहा है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत कुछ काम बाकी है, स्टोन आ गया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं सर, एक डिले कर रहे हैं। दुनिया की ट्रैफिक जैम है, बल्लागुड़ा रोड टू चंद्रानगुट्टा रोड, इतने फंक्शन हॉल से अब सीजन चल रहा है शादियों का, दो दो घंटे के लिए एक सर ट्रैफिक जाम हो रही है। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं सर आपके सामने ठहर कर, आज मुझे तकलीफ हो रही है सर, इस तकलीफ के लिए मैं ठहरा हूं। एसआरडीपी के काम इमीडिएटली लीजिए, ये बहादुर ताड़बन चौरस्ते से लेकर आलमगढ़ चौरस्ते तक भी एसआरडीपी का काम स्टार्ट हुआ है, इधर मलकपेट से लेकर संतोष नगर तक भी एसआरडीपी का काम हुआ है। आप इमीडिएटली काम कराइए और अच्छा काम करिए सर। थैंक यू सर। मिनिस्टर अध्यक्ष स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम ఏదైతే ఉన్నదో హైదరాబాద్ నగరం పెరుగుతున్న మరి వేగం విస్తరిస్తున్న వేగం హైదరాబాద్ లో పట్టణీకరణ జరుగుతున్న వేగం ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ లో అదే రకంగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ భవిష్యత్తులో ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అన్నప్పుడు మనకి ఒక విశ్వనగరానికి సరిపడా హంగులు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా రూపొందించి మరి వారి నాయకత్వంలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇప్పటికే ఇప్పుడు నేను విజ్ఞప్తి చేసినట్టు చాలా నిర్మాణాలు ఇప్పటికే పూర్తి చేశాము 5555 కోట్ల పైచిలుకు డబ్బులు ఇప్పటికే ఖర్చు పెట్టి వాటిని డెలివర్ కూడా చేశాము అధ్యక్ష మొత్తం 47 పనుల్లో ఇప్పటికే మరి వివిధ దశల్లో కొన్ని పూర్తి చేశాము కొన్ని పూర్తి అవుతాయి అధ్యక్ష మిత్రులు మోజం ఖాన్ గారు ఏదైతే చెప్పారో బౌద్ధర్పుర ఫ్లైఓవర్ అగ్లే మహీనే ఉస్కా భీ ఇనాగరేషన్ హో జాయేగా బౌద్ధర్పుర కా కభీ కామ్ ముఖం మిల్ కర్ దేంగే ఔర్ అగ్లే మహీనే ఇనాగరేట్ కరేంగే ఆప్కో భీ సాత్ లేకే చలేంగే ఔర్ ఆప్కో భీ ముత్మయిన్ కరేంగే ఆప్ బేఫికర్ రహియే ओवैसी जंक्शन का भी फ्लाईओवर हमने पूरा किया और बाकी अभी मलकपेट से जो आईएएस सदन तक है उसका भी अभी काम चालू हो गया। तो एक के बाद एक मैं बोलता हूँ आपको, फेज टू में ले रहे हैं वो भी बोलता हूँ आपको, मैं फलकनुमा का भी बोलता हूँ आपको, बनलगुड़े का भी बोलता हूँ। अभी काकुंडा अध्यक्ष ओवरऑल का रेंडु स्ट्रैटेजीस अध्यक्ष, ओकटी पेरुगुतुन्न रद्दीनी अरिकट्टाली अंटे अंडर पास फ्लाईओवर्लु वाटि